फर्स्ट पार्ट में हमने ऑर्गेनिक के कुछ टूल सीखे थे, मैंने आपको थोड़ा सा इंडक्टिव इफेक्ट बताया, थोड़ा सा हाइपर कंजुगेशन बताया और थोड़ा सा रेजोनेंस बताया। होता ही है कि जो हमारी पढ़ाई होती है उसको बहुत सिस्टमेटिकली पढ़ना होता है हमें। अब हम जो चीज़ें सीख रहे हैं उसको यूटिलाइज कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊँगा सीखना। एक बात आप ध्यान रखेंगे कि अपनी प्रिपरेशन में कभी भी डिप्रेस नहीं होंगे, सेल्फ मोटिवेटेड रहिए। कुछ भी नहीं आता वो आप सीख लोगे। अपनी प्रिपरेशन को आप 50 ओवर के वन डे क्रिकेट की तरह ले सकते हो कि स्टार्टिंग के 20 ओवर अगर अच्छे नहीं गए, 20 ओवर में कम रन बने तो स्लॉग ओवर में खींच सकते हैं, स्टार्टिंग के 30 ओवर में भी रन नहीं बने तो आखिरी 20 ओवर में आप में दम होगा तो खींच लोगे, तो कर ले जाएंगे। आप पेशेंस रखिए, खुद पर ट्रस्ट करिए और अपनी जीत के लिए फाइट करिए। अपनी जीत के लिए आप फाइट करेंगे आप जीत जाएंगे, खुद पर ट्रस्ट करिए। 50 ओवर का गेम है, शुरू के अगर 40 ओवर भी बेकार गए हैं तो लास्ट के 10 ओवर में आप छक्के मार के जीत लेंगे, ठीक है। मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, बताता हूँ, कुछ और अच्छी चीज़ें सिखाता हूँ आपको। अब हम लोग रिंग पे रेजोनेंस देखेंगे। जैसे अभी मैंने आपको बोला था कि डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस होता है, उसको थोड़ा और सीखते हैं। ये हमारी रिंग है, ये हमारी बेंजीन रिंग है, ये दोनों पोजिशन हमारी ऑर्थो होती है, ये दोनों पोजीशन हमारी ऑर्थो है, ये ऑर्थो पोजीशन है आपकी, ये मेटा होती है और ये पैरा होता है। ये दो ऑर्थो है, ये मेटा है और ये पैरा है। अब देखिए आपको कंडीशन बताई ना कि अल्टरनेट लोन पेयर और डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो यहाँ रेजोनेंस हो सकता है। हमने ये डीलोकलाइज किया यहाँ पे, तो आप देखिए मेरे साथ यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बनेगा, एक दो तीन चार पाँच, पांच बॉन्ड बन गए यहाँ पे। तो कार्बन के पांच बॉन्ड तो पॉसिबल है नहीं, तो होगा क्या कि ये जो डबल बॉन्ड है ये इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। ये इधर आया, कार्बन के पांच बॉन्ड बने तो ये इधर शिफ्ट हो गया, तो देखिए इस कार्बन पे माइनस आ गया, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है इसलिए ऑक्सीजन पे प्लस आ गया। फिर यहाँ पे भी रेजोनेंस हो जाएगा क्योंकि अल्टरनेट निगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड है। फिर ये डीलोकलाइज हुआ, यहाँ पे फिर वही कॉन्सेप्ट, कार्बन के पांच बॉन्ड बन गए, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ गया देखिए। फिर ये इधर शिफ्ट हुआ, ये इधर शिफ्ट हुआ, यहाँ पे माइनस आ गया और फिर फाइनली वही स्ट्रक्चर वापस मिल गया। मैं सिखाना आपको ये चाह रहा हूँ कि बेंजीन रिंग के ऊपर अगर कोई ग्रुप है जिसके पास लोन पेयर है, बेंजीन रिंग के ऊपर अगर कोई ग्रुप है जिसके पास लोन पेयर है तो वो रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जो डोनेशन का इफेक्ट होता है आपको बताया है कि वो प्लस से हम लोग डिनोट करते हैं, तो ये जो ग्रुप है ये प्लस आर इफेक्ट लगा रहा है। प्लस आर का मतलब कि रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन रिंग को डोनेट कर रहा है। जो माइनस चार्ज आ रहा है देखिए कहाँ कहाँ आ रहा है, ऑर्थो और पैरा पे, मींस रेजोनेंस से अगर इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होगा तो निगेटिव चार्ज कहाँ पे आता है, ऑर्थो और पैरा पे आता है। मेटा पे कोई इफेक्ट नहीं होता, मेटा पे कोई फर्क नहीं पड़ता, रेजोनेंस का इफेक्ट बस ऑर्थो और पैरा पे आता है। ये सीखने वाली बात है इसलिए बार बार आपको बता रहा हूँ। रिंग पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो जो निगेटिव चार्ज आएगा वो ऑर्थो और पैरा पे आएगा, मेटा पे कोई चार्ज नहीं आएगा, मेटा को कोई बेनिफिट नहीं होगा। कैसे पता करेंगे कि कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है कि नहीं? रिंग के ऊपर अगर ग्रुप के कोई ग्रुप है और उसके पास लोन पेयर है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और निगेटिव चार्ज कहाँ आएगा, ऑर्थो और पैरा पे। जैसे देखिए मैंने जो बात आपको बताई है ना उसका फैक्ट एक यहाँ पे भी आप देख सकते हो उस फैक्ट को, ये NO2 लगा हुआ है, नाइट्रोजन के पास देखिए यहाँ लोन पेयर नहीं है तो वो डोनेट नहीं कर सकता, वो विड्रॉ करेगा। यहाँ पे लोन पेयर था, ऑक्सीजन के पास यहाँ लोन पेयर था, उसने यहाँ पे डोनेट किया, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर नहीं है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट नहीं कर सकता, ये विड्रॉ करेगा। देखिए ये विड्रॉ किया इन्होंने, तो पहला प्लस यहाँ पे आया, फिर ये इधर शिफ्ट हो गया, इस पर प्लस आया, ये देखिए, फिर ये इस पर प्लस आया और फिर यहाँ पे आ गया, वापस हमको ये स्ट्रक्चर मिल गया।
हमें प्लस कहाँ कहाँ मिल रहा है? ऑर्थो और पैरा पे, जो आपको सिखाया अभी कि रिंग के ऊपर कोई भी डोनेटिंग या विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा तो इफेक्ट ऑर्थो और पैरा पे आएगा, मेटा पे नहीं आएगा। ये जो हमारा NO2 है ये माइनस आर लगा रहा, विड्रॉइंग इफेक्ट माइनस आर, डोनेटिंग इफेक्ट प्लस आर। अब देखिए आप, अगर कोई बेंजीन रिंग है आपके पास और उसके ऊपर कोई ग्रुप लगाओ, ये आपका बेंजीन रिंग है और यहाँ पे एक ग्रुप लगा हुआ है, इसके पास लोन पेयर है, इसका मतलब है ये माइनस ऑर्थो और पैरा पे लेके आएगा, रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। अब ऐसे ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं? NH2, OH, OCH3, NH, CH3, ये लोग सबके पास लोन पेयर हैं, ये रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे और थोड़ा पैरा पे माइनस आएगा। यहाँ पे एक्सेप्शन है हमारे पास कुछ, जिनके पास लोन पेयर रहेगा तब भी वो रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ाएंगे, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के पास लोन पेयर है तब भी वो रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ाएंगे। अगर यहाँ पे ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जिसके पास लोन पेयर नहीं है, मान लीजिए जेड है, इसके पास लोन पेयर नहीं है, तो ये क्या करेंगे? विड्रॉ करेंगे और ऑर्थो और पैरा पे हमारा पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऐसे ग्रुप जैसे देखिए NO2, इनके पास लोन पेयर नहीं है, CN, इनके पास देखिए लोन पेयर नहीं है, CHO, COH, ऐसे कुछ ग्रुप हैं जिनके पास लोन पेयर नहीं है। इनके पास लोन पेयर नहीं है तो ये सारे लोग माइनस आर लगाएंगे, ये लोग जैसे प्लस आर लगा रहे हैं ये लोग माइनस आर लगाएंगे। यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, यहाँ पे एक्सेप्शन है एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा हाइपर कंजुगेशन से, हमारे पास एक्सेप्शन है एल्काइल ग्रुप, इनके पास लोन पेयर नहीं है तो भी ये रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे। तो देखना क्या है, रिंग देखिए, रिंग के ऊपर अगर कोई ऐसा ग्रुप है जिसके पास लोन पेयर है तो वो रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। कहाँ पे बढ़ाएगा? ऑर्थो और पैरा पे। ऑर्थो और पैरा पे रेजोनेंस लगेगा, मेटा पे इंडक्टिव इफेक्ट वर्क करेगा। अगर कोई ऐसा ग्रुप लगा है जिसके पास लोन पेयर नहीं है तो वो विड्रॉ करेगा, कहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लेके आएगा? ऑर्थो और पैरा पे, ऑर्थो और पैरा से विड्रॉ करेगा। एक्सेप्शन क्या है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के पास लोन पेयर होते हुए भी वो रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेंगे। यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है? एल्काइल ग्रुप होगा, उसके पास लोन पेयर नहीं है तब भी वो हाइपर कंजुगेशन से रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आपको इसमें परफेक्शन चाहिए तो आपको बहुत सारी क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, बहुत सारी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी आपके सब्जेक्ट में परफेक्शन आता है। बहुत सारी थ्योरी पढ़ते रहने से कभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। हमेशा ध्यान में रखिएगा, कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होंगे जब आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत सारी बुक्स है, अभी मार्केट में जो बुक्स है उसमें दो बुक्स बहुत अच्छी है ऑर्गेनिक की, वो पूरी सॉल्व करनी चाहिए आपको। एक हिमांशु पांडे, बहुत अच्छी बुक है, पूरी सॉल्व करिए। MS चौहान, बहुत अच्छी बुक है, पूरी सॉल्व करिए। वो पूरी सॉल्व करिए इस कॉन्सेप्ट के साथ, तो आपके कॉन्सेप्ट में पूरा परफेक्शन आ जाएगा। मैं भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। तो जो पहला कॉन्सेप्ट हम लोग और अच्छे से सीखने जा रहे हैं, आपके परफेक्शन के लिए हम लोग करने जा रहे हैं, वो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन सॉल्व करने के लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक क्या है? प्रायोरिटी वाइज कैसे सॉल्व करेंगे? स्टेबिलिटी देखने के लिए सबसे पहला काम करेंगे हम लोग, देखेंगे कि हर एलिमेंट का ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। पहली प्रायोरिटी हमारी क्या है? हर एलिमेंट का ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। सेकंड, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। थर्ड पॉइंट मेरा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबिलिटी को घटाएंगे। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबिलिटी को कम करेंगे। फोर्थ पॉइंट,
रेजोनेंस ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा, रेजोनेंस ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा। फिफ्थ पॉइंट, अगर रेजोनेंस से हम कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो इंडक्टिव इफेक्ट या हाइपर कंजुगेशन देखेंगे। अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन की हम लोग बात करने जा रहे हैं तो आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और सिखाऊंगा मैं, एरोमेटिक कंपाउंड का, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन देखने में कभी कभी कुछ एरोमेटिक कंपाउंड आएंगे जो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो उसको भी हम लोग सीख लेते हैं, फिर हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगली चीज़ हम लोग जो सीखने जा रहे हैं, एरोमेटिक कंपाउंड है, कैसे पहचानेंगे कि कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं, वो मैं आपको बताता हूँ।